प्रदेश में पहली बार इस तरह फर्जी बैंक खातों के सिंडिकेट का खुलासा हुआ है, जहां जबलपुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल ये गिरोह बैंक खातों को बेचा करता था और फिर इन खातों के जरिए करोड़ों के फ्रॉड किए जाते थे। ये गिरोह 5,000 में बैंक खाता खरीदकर उसे 15,000 से 20,000 में बेच दिया करता था। बाद में इन खरीदे गए खातों में करोड़ों रुपए के लेन देन किए जाते थे। बैंक खाता खरीदने बेचने वाले गिरोह की पहली बार गिरफ्तारी हुई है। गैंग को झारखंड के जामताड़ा से 2 लोग ऑपरेट कर रहे हैं। ये आरोपी मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों के करीब 150 से ज्यादा खातों को खरीदकर फर्जी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर चुके हैं। अभी टोटल जो हमारे पास अभी हमने जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं वो 3 केसेस हैं, परंतु क्योंकि इन्वेस्टिगेशन बड़ी है और ये चेन थोड़ा लंबी है, तो इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन में और भी साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई। इस बात का खुलासा तब हुआ जब एक युवक के खाते से 1,00,000 रुपए की धोखाधड़ी की गई। इसके बाद क्राइम ब्रांच और साइबर सेल की टीम हरकत में आई। इस फर्जीवाड़े में इफ्तिकार अहमद, मोहम्मद आसिफ, अजीत बेन, हेमंत पिल्ले, अरविंद यादव, आशीष कोरी, पीयूष खटीक को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं अकबर अहमद और सलीम फिलहाल फरार हैं। देखते रहिए द सूत्र।